अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद मोहम्मद अजमल रहीम, आपका एस्ट्रोलॉजर। आज ये हफ़्ता कैसा रहेगा ये लेके आया हूँ। ये हफ़्ता 22 मार्च से 28 मार्च के दरमियान है और आपकी ख्वाहिश पे ये अलग-अलग सेगमेंट कर रहा हूँ ताकि वो लोगों की डिमांड ये है कि आप इकट्ठा प्रोग्राम ना किए करें, अलग-अलग कर रहे हैं। तो मैं एक तो पहले जो मेरे एकदम व्यूअर्स जो सब्सक्राइबर बड़े हैं वो थोड़ा सा उनको वेलकम करता हूँ कि आई एम ग्रेटफुल कि वो बड़ी तादाद में इजाफा हुआ और ये लोग इस प्रोग्राम में इंटरेस्ट ले रहे हैं और काफ़ी अपने हॉरोस्कोप भी बनवा रहे हैं। और जो पिछले अलग-अलग वीडियो की थी तो दी व्यूज़ वार मोर देन 80,000। ये बहुत ज़्यादा मेरे लिए हौसला अफजा था कि लोग आप मेरे में इंटरेस्ट ले रहे हैं और मेरी बातों को गौर से सुन रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आपको आगे भी अच्छी अच्छी बातें विद टेक्निकल हाउ नाउ और उसके सोल्यूशन के साथ बात किया करूँगा। मैंने एक और प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ कि आपको ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ाकार पे भी करूँगा कि अगर आपका सन नेगेटिव है, मून नेगेटिव है, वीनस नेगेटिव है तो हाउ टू पास योर लाइफ। और लेकिन वो प्रोग्राम काफ़ी वो अलहदा होगा और बड़ा टेक्निकल होगा। उसके लिए मैंने एक होस्ट भी रखी है जो वो मेरे साथ डिस्कशन करेगी और फिर वो आपको उसको प्रोग्राम को आप गाइडलाइन ले लेंगे। आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, उम्मीद है कि मुझे आप ना नहीं करेंगे। मेरा एक हमने एक काम शुरू किया है, एक तंज़ो मज़ाक का प्रोग्राम जिसमें तंज भी है मज़ाक भी है। ज़ुल्करनैन हैदर साहब, ये बहुत पुराने मेरे साथ, इन्होंने फॉरेस्ट पे भी और शांगा मांगा मरी के जंगलात पे भी मेरे साथ ड्रामे बनाए और अब ये मेरे साथ दोबारा शुरू किया। हमने इंडिसेंट टॉक के नाम पे हमने ये प्रोग्राम शुरू किया। इस प्रोग्राम में मेरा लिंक दिया हुआ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ पर्टिकुलर यानी कि ख़ास तौर पे आप लोगों से, क्योंकि आप मेरे बहुत प्यारे व्यूअर्स हैं, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा काइंडली ताकि वो मोनेटाइजेशन हो जाए और वो हमारा वहाँ पे उनको भी ज़ुल्करनैन हैदर साहब का जो चैनल है, क्योंकि उसका मेन होस्ट प्रोग्राम का मैं खुद हूँ और मैं उसको चला रहा हूँ। और आपको आपसे जो बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि लिंक नीचे दिया हुआ है ज़ुल्करनैन हैदर के प्रोग्राम का, तो मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, हल्की सी आइकन बेल को दबाना है ताकि वो मेरा प्रोग्राम हफ्ते में दो आएंगे और वो आप तक पहुंचता जाएगा। उस पर आपको बड़े सबक मौज तंज़ो मज़ाक की बातें सुनने को मिलेंगी और उसके आपके कमेंट्स भी चाहिए, मुझे चाहिए। उम्मीद है कि मेरे ये रिक्वेस्ट आप ज़रूर पूरी करेंगे। उसके अलावा व्यूज़ आपके बड़े अच्छे आ रहे हैं, प्रोग्राम मेरे वो मैंने काफ़ी ढेर बना लिया हुआ है आपके सवालों के जवाब का, वो भी इंशाल्लाह ताला आपको हर एक दिन छोड़ के एक दिन आपके पास आना शुरू हो जाएगा। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, कोई मैं बीमार था, अब आपने नोट किया होगा कि आज मैं काफ़ी बेहतर हूँ और आज मैं बड़े खुशू से प्रोग्राम कर रहा हूँ और आप लोगों को लिए एक अच्छा प्रोग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सवालों के जवाब भी आपको मिलेंगे, आपने अपने सवाल जो पूछने वो क्वेश्चन आंसर जो प्रोग्राम होता है उसमें सवाल लिखा करें ताकि मैं आपको वहाँ पे गाइड कर सकूँ। और अगर किसी को नहीं समझ आती तो वो अपना डिटेल पर्सनल हॉरोस्कोप ज़रूर बनवाएं, और अगर उस डिटेल पर्सनल हॉरोस्कोप में मैं अगर आपसे बात करते हुए कोई कोताही हो जाती है, पिछले दिनों मेरा पिछला हफ्ता काफ़ी बिज़ी था, बीमार भी था और मैं आई कुडंट टॉक टू दी माई क्लाइंट्स प्रॉपरली, तो वो उनसे मैं माजरत भी करूँगा कि वो कम्युनिकेशन गैप था, आई कुडंट गेट टाइम फ्रेम फ्रॉम हमज़ा, जिसकी वजह से थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई। इंशाल्लाह ताला उसको कवर करूँगा। अब मैं बारी बारी तमाम हॉरोस्कोप को जो 22 मार्च से 28 मार्च के दरमियान, और बड़ा ये हफ्ता बड़ा मज़ेदार आपका शुरू हो रहा है, सन आपका निकल गया, अब अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलेगी, तो अब हम शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जैमिनी, क्या हाल है संजीदा लोगों, अभी हंस भी लिया करो, सारे वक्त संजीदा रहते हैं, बहुत अपने काम में बड़ा डेडिकेट, अपने प्रोफेशन में बहुत डेडिकेट लोग आप लोग, बहुत संजीदा लेने वाले लोग हैं। जैमिनी से मेरा बड़ा वास्ता पड़ता रहता है और ये बहुत इंटेलिजेंट और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिलीवर करने वाले लोग हैं, और इनका ख़ास तौर पे अगर जैमिनी डॉक्टर है तो उसकी इन डेप्थ एनालिसिस बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है।
और ये मशवरा भी बड़ा अच्छा देते हैं, लेकिन थोड़ा सा वहमी होते हैं, थोड़ा सा शक्की होते हैं, बस फटाफट वो क्या कहते हैं हो जाते हैं, अपने आप को कहते हैं महसूस करते हैं कि पता नहीं मैं फेलियर ना हो जाए। खैर जेमिनी ये हफ्ता का स्टार्ट बड़ा, खोल लें थैला, आपका स्टार्ट हफ्ते का बहुत अच्छा होने जा रहा है, पैसे बड़े आएंगे आपके। दूसरे घर में आपका मून है और वो भी उस पर अपने घर में कैंसर में, तो क्या बात है। आपका ये हफ्ता ख़ास तौर पे ये चल रहा है 22 तारीख से लेके ये हफ्ता 28 तारीख तक, तो 22 मार्च से 28 मार्च, तो वो लोग आपका कोई ना कोई फंक्शन हुआ होगा जिसमें आपने बहुत हल्ला गुल्ला किया, आपको एडवांटेजेस मिले और आपने काफ़ी फ़ायदा उठाया और एंजॉय किया, और उसके जो गिफ्ट्स वगैरह आए होंगे, पैसे आपके पास उस दिन कहीं ना कहीं और तरफ से भी पैसे आते नज़र आ रहे हैं आपको, क्योंकि दूसरा घर है, उस दिन आपकी स्पीच बहुत अच्छी होगी, लैंग्वेज आप बड़ा मीठा बोलेंगे, बड़ा प्राइड होंगे एक चेहरे पे, आपका वर्सेटाइल किस्म की आपके चेहरे पे एक लहर होगी और मुस्कुराहट सी होगी, और आपका वर्बल एक्सप्रेशन बहुत अच्छा होगा कोई बहुत ही, और कहते हैं कि आंखों में आंखें डाल के बात करते नज़र आ रहे हैं। और एक चीज़ और मैं आपको यहाँ बताता जा रहा हूँ कि यहाँ पे आपको इन लाज की तरफ से बहुत बड़ा एडवांटेजेस मिलता आ रहा है, आपको बड़ी अच्छी खबर मिलेगी, मे बी योर मदर इन लॉ विल बी गिव यू अ गिफ्ट या योर इन लॉज विल गिव यू गिफ्ट्स। सो यहाँ पे अपनी सासों माँ को पकड़ के रखिएगा, उससे एडवांटेज लेना आपका फन होगा, मैच नहीं डालना उस दिन उनके साथ, उससे फ़ायदा उठाना है, ससुराल वालों से आपने फ़ायदा उठाना है। ये मैं आपको ख़ास तौर पे ख़वातीन हज़रात को, सास की तरफ से आपको अच्छी ठंडी हवाएं मिलेंगी। अब आगे चलते हैं 24-25 को, 24-25 यहाँ पे तीसरा घर, आपको यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से कोई एडवांटेज मिलेगा, अपने बहन भाइयों की एजुकेशन पे, अपने बच्चों की एजुकेशन में काम करते नज़र आ रहे हैं, वहाँ पे आपको एडवांटेजेस मिलते नज़र आ रहे हैं आपके। आप बहुत उस दिन ज़हनी तौर पे बड़ा एक अपराइट होकर बात करेंगे, एक चमक होगी आपके चेहरे पे, एक एक स्पार्क होगा दिमाग में जिससे आपकी जहन टपक रही होगी और बड़ा तीखा तीखा आप अच्छे तरीके से बात की तय तक जाएंगे और उसको निकाल लेंगे। अगर आप लिखने बैठते हैं तो बहुत अच्छा लिखेंगे, आपको बड़े होगी और आपका स्टेमिना बहुत अच्छा होगा, और आप अगर कोई किसी कहाँ से किसी के साथ आपकी डिस्कशन हो रही है तो आपके साथ आप बड़ी करजियस होकर बात करेंगे, आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे। यहाँ पे आप गवर्नमेंट से एडवांटेजेस भी लेते नज़र आ रहे हैं, और या मीडिया के लोग ख़ास तौर पे जो एंकर हज़रात हैं जिनका बोलने से पेशा, ये गवर्नमेंट से या तो ये गवर्नमेंट की तरीफें करते नज़र आ रहे हैं या गवर्नमेंट से गवर्नमेंट से इनको एडवांटेज मिलता नज़र आ रहा है। इनका मौजू उस दिन गवर्नमेंट होगी कि ये गवर्नमेंट ने ऐसे कर दिया, उनके प्लस पॉइंट भी बताएंगे, उनके नेगेटिव पॉइंट भी बताएंगे। यहाँ पे तीसरा घर इनको भी डिक्लेयर, फिर आपके हमसायों की तरफ से भी आपको एडवांटेजेस को मिलेगा, या आप हमसायों की मदद करते नज़र आ रहे हैं और आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी, सोशल सर्विस करते नज़र आ रहे हैं आप। यहाँ पे मेमोरी बहुत फास्ट होगी। अच्छा, यहाँ पे छोटे छोटे सफ़र आएंगे और ये सफ़र वो होंगे, सफ़र बायसे रहमत जिसे वसीलाए ज़फ़र, सफ़र वसीलाए ज़फ़र, और बड़े शौक से जाएंगे। मुझे तो अपने बहन भाइयों की तरफ ट्रैवलिंग करते नज़र आ रहे हैं, बहन भाइयों की गेट टुगेदर होती नज़र आ रही है शाम के वक्त और उनसे मुलाकात होती नज़र आ रही, तो ख़ास तौर पे जो वो सिंगर हजरात है, आर्टिस्ट हजरात है, उनका कोई नया कंट्रैक्ट साइन कर लेंगे, उनको बड़े एडवांटेजेस मिलते नज़र आ रहे हैं, लिहाजा वो बहुत ही खुश होंगे और उनकी आवाज़ में तो कमाल का सोज होगा, सोज नहीं होगा सॉरी रोमांस होगा, रोमांटिक मीठापन होगा, और खूब वो अच्छा बोलेंगे। ट्रांसपोर्टेशन का बिज़नेस करने वाले, मार्केटिंग का बिज़नेस करने वाले, मार्केटिंग में जो लोग हैं ये बहुत अच्छा बोलेंगे, इनकी बड़ी होगी और इनका वर्बल एक्सप्रेशन कमाल का होगा, कमाल का। आपको पता है अपना ये जो इस वक्त आपका जो राहु है वो आपके एसेंडेंट में है, वो जेमिनी में, और जेमिनी का जो लॉर्ड है वो मरकरी है, और मरकरी का जो लॉर्ड है वो बोलने की पावर है, हाउ टू कम्युनिकेट,
साइंटिफिक बैंड ऑफ माइंड, ऑरिटोरिकल एबिलिटी कमाल की होगी उस दिन, आपको खूब इंजॉय करते नज़र आ रहे हैं, अच्छा बोलते नज़र आ रहे हैं, आपको रिस्पेक्ट मिलती नज़र आ रही है। 26-27 को यहाँ पे आपकी कोई एलिवेशन नज़र आती है, आपको कोई आपकी खिदमात को सराहा जाएगा। अगर आप जॉब करते हैं तो वहाँ पे आपको आपको काफ़ी अपलिफ्ट मिलेगी, आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, आपकी बात आपको एग्जांपल बना के पेश किया जाएगा कि देखें इसने इतना अच्छा काम किया, आप क्यों नहीं काम करते, तो इस किस्म के आपको सुनने को मिलेगा। आप जनरल हैप्पीनेस आपकी बहुत होगी यहाँ पे, आप अपने प्रॉस्पेरिटी के पे काम करते नज़र आ रहे हैं, अपने घर की रेनोवेशन पे काम करते नज़र आ रहे हैं, कोई नई गाड़ी खरीदते या नई गाड़ी बेचते, पुरानी गाड़ी बेचते और नई गाड़ी खरीदते, कोई मकान की ईंट लगाते नज़र आ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क करते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आपको आप काफ़ी संजीदा होकर अपने काम को निकाल रहे हैं। वो लोग जिनका बिज़नेस ज़मीन से निकलती हुई चीज़ों से है, उन वो बड़े सीरियस होके अपने माल को बेचेंगे और उनको प्रॉफिट मिलता नज़र आ रहा है यहाँ पे, और बड़ा अच्छे तरीके से, अच्छा अपना माल बड़े अच्छे तरीके से, खूबसूरत तरीके से बोल के, कन्विंस करके और उसको अच्छी तरह पेश करके अपना माल निकालने में कामयाब हो जाएंगे। जानवरों का कारोबार करने वाले, कैटल्स का कारोबार करने वाले, उनको भी एडवांटेज होगा, कोई ना कोई घुमी हुई चीज़ मिल जाएगी। चौथा घर आपको बहुत कुछ उस दिन दे देगा, काफ़ी फॉल्स एलिगेशन लगी तो ख़त्म हो जाएंगी आपकी, और कोई वो मैंने ये कंफर्ट आपकी होगी बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। यहाँ पे आपको फेम भी मिलती नज़र आ रही है, और वालदा की तरफ से कोई ना कोई खुशखबरी मिलेगी, वालदा कोई ना कोई गिफ्ट देगी, कोई आपकी सपोर्ट करेगी, पैसे देगी और आप उससे बड़े खुश होंगे। उस दिन वालदा को हक ज़रूर कीजिएगा, ज़ोर से हक कीजिएगा, और देखे वो कहते हैं जादू की जफ्फी डालिएगा, देखे आपको कैसा मिलता है, आपको ठंड पड़ेगी। और 28 तारीख को आपका इतवार तो सैर सपाटे में गुजरेगा, बच्चों के साथ खेलते गुजरेगा और हुला गुल्ला में या टीवी देख के फिल्में देखते हुए गुजरेगा, या स्पोर्ट्स खेलते गुजरेगा, और यहाँ कोई शर्तें लगाते गुजरेगा, और बहुत ही इन होंगे। मुझे तो ज़्यादातर लगता है किसी तफरी मकाम पे जाएंगे और वहाँ पे खूब इन्जॉय करेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, बैडमिंटन खेलेंगे, शोर डालेंगे बच्चों के साथ, ऊंची ऊंची गाना गाएंगे, गाड़ी में म्यूज़िक बड़ा ऊंचा लगा होगा, तो ये एंड जेमिनी आपका कमाल का होगा, आपका ये पूरा हफ्ता कमाल का है। तो लाजा इन्जॉय कीजिएगा और अगले हफ्ते आपके लिए नई और अच्छी खबरें लेके आऊँगा। और एक चीज़ जो मैंने शुरू में रिक्वेस्ट की है, काइंडली मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर आपने बंद नहीं करना। नीचे पट्टी पे चल भी रहा होगा और नीचे लिखा भी होगा ज़ुल्कनैन हैदर साहब का चैनल और जो मेरा चैनल है, हम दोनों का ही वो है, तो आपको वो प्रोग्राम भी मज़ाया प्रोग्राम जिसका मैं होस्ट हूँ वो सुनने को मिलेगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।